हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में ये देखेंगे क्रॉस रिपीट या डायगोनल रिपीट कैसे करें। ओके, चलिए ट्यूटोरियल पे चलते हैं। एस फ्रेंड्स, अभी न्यू फाइल लिया 10 बाय 10 इंच या 150 डी पी ए लिया। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एक लाइन से। जब भी डायगोनल बिटाते हैं लाइन पेंटूल से किया डायगोनल मीन्स 45 डिग्री में होना चाहिए, यानी यहाँ पे क्लिक करो देन शिफ्ट पकड़ के यहाँ क्लिक करिए तो ये एग्जैक्टली 45 डिग्री में आ जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने ब्रश टूल क्लिक किया, मुझे जो साइज़ चाहिए वो साइज़ रखा, ठीक है। अब ये जो टच नहीं होना चाहिए तो साइज़ थोड़ा छोटा किया। ओके, ये टच नहीं होना चाहिए यहाँ पे कहीं भी। नया लेयर लिया, नया लेयर लेके एंटर किया, ये टच नहीं होना चाहिए कहीं। ओके, अभी इसको फिल्टर अदर ऑफसेट पे जाइए। ओके, इसके बीच में इसे रखिए, ये जैसे आ जाएगा इसको ओके दे दीजिए। अब यहाँ पे आप एडजस्टमेंट करिए, इतना पार्ट को सेलेक्ट किया उसी को डुप्लीकेट लेके यहाँ रखे, आप ऐसे एडजस्ट करिए। ओके, तो ये परफेक्टली बैठ गया। अभी आप रिपीट में इसका ऑफसेट में चेक करेंगे, परफेक्टली बैठेगा। मैंने इसी के फिर से डुप्लीकेट लिया और उसको ऐसा एडजस्ट किया तो क्रॉस रिपीट में मुझे अपने आप बैठ गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, सपोज अब मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक सपोज सर्कल बिटाना है, ऐसे सर्कल बिटाना है, तब क्रॉस रिपीट में कैसे करेंगे। ओके, अभी अगेन सेम रूल, पेन टूल क्लिक किया, शिफ्ट पकड़ के सेकेंड टाइम यहाँ पे क्लिक किया। ओके, अब मैं ब्रश टूल में गया, ये ऑप्शन में जाके इसका स्पेसिंग बढ़ाया। सपोज मेरे को ऐसे ऐसे डॉट्स चाहिए, मैंने चेक किया कैसे डॉट चाहिए। ओके, ये डॉट्स ओके, थोड़ा सा इस तरह एडजस्ट किया, ये ओके लगा तो मैंने इसको डॉट सेलेक्ट किया और इसको एंटर दबा दिया, ऐसे आ गया है ना। इसको क्लोज किया और ऑफसेट में किया, देखिए यहाँ पर ऐसे आ गया। तो अब मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिल गया इसको एडजस्ट करने के लिए, तो मैं यहाँ पे इसको डुप्लीकेट लेके जाके परफेक्टली एडजस्ट करूँगा। ये ओवरलैप हो रहा है तो इसको मैं माइनस कर दूंगा, ऐसे करके यहाँ पे मेरा पूरी तरह से एडजस्टमेंट कर लिया। ओके, अभी इसको सेलेक्ट किया, हल्का सा जैसे चाहिए ऐसे एडजस्ट कर दूँगा, एकदम परफेक्ट। देखिए डायगोनल रिपीट एकदम परफेक्टली बैठ गया। इसमें जो भी एडजस्टमेंट आप चाहते हो तो अपने हिसाब से कर ही लो बिना किसी प्रॉब्लम का, व्हाट द पॉइंट, एकदम परफेक्टली बैठ गया। अभी रिपीट ऑफसेट में भी करके चेक करिए, एकदम आप ऑफसेट पे भी चेक करिए, एकदम परफेक्टली बैठा रहेगा। ओके, अभी मैं यहाँ से ग्राउंड से कलर फिल कर देता हूँ बेश, और इसी लेयर को मैं डुप्लीकेट लिया हूँ। अभी उसको सपोज में कलर किया, समझ लो वाइट। ओके, इस वाइट को मैं उसके साथ मर्ज कर देता हूँ। अभी इस वाइट को मैं देखिए कुछ इस तरह से, मैंने ऑलरेडी परफेक्टली रिपीट बिठाया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ये देखो एकदम परफेक्टली बैठ गया। ओके, आई होप ये सिंपल सा तरीका समझ आया होगा क्रॉस रिपीट कैसे बिठाना है। थैंक यू।